Now next one आपके लिए काफी important questions related to interview process. Why string builder and string buffer class doesn't overriding equals and hashcode method of object class? Simply जैसे ने previous session में discuss किया था hashcode and equals method string class ने तो override की, लेकिन string buffer और string builder class ने कोई भी इस type का कोई भी overriding method point नहीं किया. इसका main reason या main purpose क्या है, जैसे इसको explain करूँगा with respect to mutable और immutable property. One more things, इस concept के explain करने के respect में जैसे मैं use करूँगा collection framework concept और basic idea about collection framework concept. अगर आपको collection framework का basic idea अभी तक available नहीं है, collections के आपने अभी तक कोई video watch नहीं किए हैं, तो हो सकता है इसे example को समझने में आपको problem create हो. इसे इसे example को समझने first time इसको watch कर सकते हो. अगर आपको एक completely समझ नहीं आ रहा, then in future अगर आपने collection framework complete कर लिया था, उसके बाद again इस video को watch करो, then आपके लिए easily समझना possible है. Clear? जस्ट कलेक्शन फ्रेमवर्क के केस में जस्ट मैं इस केस में इंट्रोड्यूस करूंगा जस्ट मैप ऑब्जेक्ट. मींस फॉर एग्जांपल्स लाइक कई बार क्या रहता है आपको इन केस ऑफ वेब प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट लेवल, प्रोजेक्ट लेवल पर अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो, इंफॉर्मेशन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स लाइक अ रिक्वेस्ट पैरामीटर्स और एट्रीब्यूट्स लाइक दैट. ने की वैल्यू डेटा जब भी आपको किसी भी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर इंफॉर्मेशन की एंड वैल्यू पेयर्स में स्टोर कराना लाइक दैट की वैल्यू इंफॉर्मेशंस. मींस की वैल्यू इंफॉर्मेशन कोई स्पेशल केस नहीं, फॉर एग्जांपल्स लाइक यूजर नेम, यूजर नेम को मैं स्टोर करना चाहता हूं एज अ यूजर नेम एज समथिंग राहुल. सेम एज वन मोर की या यूएन क्या सम यूजर नेम, सेम है एक और की यूज करना है जा पीडब्ल्यूडी मींस पासवर्ड. पासवर्ड के केस में यूज किया जा 123. इस केस में फाइनली इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स. तो याद रखना इन केस ऑफ जब भी आपको इन्फॉर्मेशन की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में स्टोर कराना होता है, देन इस केस में सिंपली यूज होता है मैप ऑब्जेक्ट. यूज क्या होता है इस केस में, मैप ऑब्जेक्ट. अगर मैप को समझने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, देन आप सिंपली इसको कंपेयर कर सकते हो लाइक टेबल्स की वैल्यू. मीन्स आपको हाई लेवल का नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं, जस्ट बेसिक आइडिया अबाउट मैप. मैप क्या, मैप इज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क एपीआई. इन दैट केस अगर आपने किसी मीन्स इसको कंसीडर कर लिया ऑब्जेक्ट ऑफ मैप टाइप, ऑब्जेक्ट ऑफ सिंपली मैप टाइप, देन मैप के अंदर इंफॉर्मेशन हमेशा टू फॉर्मेट स्टोर होगा की एंड वैल्यू. इसके अलावा कई सारे अदर इंफॉर्मेशन आप खुद से एज्यूम कर सकते हो लाइक डेट्स टाइप से एज्यूम कर लो. मल्टीपल रो अवेलेबल, लेकिन कॉलम मैप ऑब्जेक्ट में कॉलम्स कितने होंगे, एग्जैक्टली टू कॉलम्स. मीन्स लेफ्ट पार्ट से कंसिडर किया होगा की, राइट हैंड पार्ट से कंसीडर किया होगा वैल्यू. मीन्स इस केस में सपोज किसी यूजर का नेम आपको रिक्वायर्ड है, देन सिंपली कॉल किया कर लोगे मैप ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट मेथड. गेट मेथड में सप्लाई क्या करें, की नेम. जब भी करेस्पॉन्डिंग वैल्यू रिक्वायर्ड हुआ सिंपली पास क्या करो, की नेम. देन की नेम के थ्रू कोई भी वैल्यू एक्सेस करना पॉसिबल. इस केस में यूजर नेम के साथ मैप क्या हुआ है, राहुल. देन ये मेथड इमीडिएटली आपको रिटर्न क्या करेगा एज अ राहुल लाइक दैट. दिस इज द बेसिक आइडिया. जस्ट अब मैं इस केस में कंपेरिजन स्टार्ट करूँ भाई, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्लास डजेंट ओवरराइडिंग इक्वल्स एंड हैशकोड मेथड्स. सपोज दैट अगर मैप ऑब्जेक्ट के अंदर आप की यूज कर रहे हैं, मीन्स करेंटली की किस फॉर्मेट में स्टोर है लाइक इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. फर्स्ट केस में एक्सप्लेन कर रहा हूँ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, सेकेंड केस में एक्सप्लेन करूंगा रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग बफर, देन फाइनली इन्फॉर्मेशन किस में स्टोर करेंटली मैप के फॉर्म में. सपोज दैट इस पर्टिकुलर केस में सेम मीन्स दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास लाइक दैट. एजम कर लो इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्या है 100 लाइक है 200. फर्स्ट ऑब्जेक्ट का एड्रेस अवेलेबल किसके पास है, ऑल्सो रेफरेंस वेरिएबल s1. s1 भी इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है. सेम एज s2 लाइक दैट. इस पर्टिकुलर केस में मीन्स s1 किसको पॉइंट कर रहा है, यूजर नेम. s2 किसको पॉइंट कर रहा है, समथिंग की नेम, की वैल्यू एज पासवर्ड लाइक दैट. अब इस केस में मीन्स ऑलरेडी से और स्ट्रिंग का जनरल बिहेवियर क्या रहता है, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स. इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स अगर आप स्ट्रिंग को एज अ की यूज कर रहे हैं इनसाइड मैप, इस केस में मैप ऑब्जेक्ट श्योर है कभी भी इस पर्टिकुलर की का वैल्यू चेंज होना पॉसिबल ही नहीं है. मीन्स अगर आप इस केस में ट्राई भी s1 इस लोकेशन को पॉइंट करें, अगर आप ट्राई करते लाइक s1 इक्वल्स टू s1 डॉट कॉनकेट सम न्यू कैरेक्टर sd लाइक दैट. इस केस में s1 में मीन्स कॉन्केटिनेशन होगा, देन इस केस में यूजर नेम के यूएन के साथ अपेंड क्या हो जाएगा, समथिंग d. क्लियर? लेकिन ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन
एस वन में अगेन पॉइंट किसको करेगा, न्यू ऑब्जेक्ट को, मीन्स जैसे एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना स्टॉप करके पॉइंट किसको करेगा, न्यू ऑब्जेक्ट, क्लियर। मीन्स इससे की इफेक्ट हुआ क्या, नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ इम्यूटेबल प्रॉपर्टी। बट सपोज दैट सेम केस में अगर आप यूज किया करते हो स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर, मीन्स ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग क्लास की यूज ना करें, अगर आप स्ट्रिंग बिल्डर क्लास की यूज करते हो, एज्यूम करो एस बी वन, अगर एस बी वन इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, देन एस बी वन में अगर आप कोई भी चेंजेस परफॉर्म करते हो लाइक दैट, एस बी वन डॉट अपेंड सम न्यू कैरेक्टर, अपेंड न्यू कैरेक्टर, देन इस पर्टिकुलर केस में चेंजेस किस में होंगे, मीन्स न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। अब इस पर्टिकुलर केस में मैप ऑब्जेक्ट इस की को एक्सपेक्ट करा है जाए यूएन और यूजर नेम, लेकिन रियल केस में इसे एस बी वन है या अदर थर्ड रेफरेंस के थ्रू आप इसको मॉडिफाई कर, मीन्स कहीं ना कहीं की पार्ट चेंज होने के चांसेस, जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, क्लियर, जस्ट दिस बिहेवियर। मीन्स जस्ट आप इस केस में अगर आपसे बात करें, मीन्स आप मैप में जब भी की स्टोर कराओ तो की एज अ स्ट्रिंग करना प्रेफर करोगे, एज अ स्ट्रिंग बिल्डर, एज अ स्ट्रिंग, क्लियर। मीन्स स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर को कभी भी मैप ऑब्जेक्ट के अंदर एज अ की स्टोर करना रिकमेंडेड केस है, नॉट रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड, जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूटेबल बिहेवियर ऑफ स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर। इस केस में रेव मीन्स प्रेफर क्या करेंगे, स्ट्रिंग्स ऑब्जेक्ट्स यूज एज अ की इनसाइड मैप, मीन्स मैप के अंदर जब भी आपको कोई की स्टोर कराना है तो की को स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर कराना चाहिए, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर, जस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, क्या स्ट्रिंग क्या म्यूटेबल इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में यूजर और मैप ऑब्जेक्ट से, और हम इसे की एक बार स्टोर करा ली देन इसके कभी मॉडिफाई होने के चांसेस नहीं है, जबकि स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के केस में मॉडिफाई होने के चांसेस हैं, क्लियर, लाइक दैट। देन मेरा क्वेश्चन क्या था, व्हाई दीज क्लासेस आर नॉट ओवरराइडिंग इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड। जनरली क्या रहता है, मैप ऑब्जेक्ट जब भी की स्टोर कराता है तो की इन फ्यूचर जब भी एक की कंपेयर होते हैं, मीन्स फॉर एग्जाम्पल इस केस में कॉल किया जस्ट गेट मेथड, तो गेट मेथड के केस में की जब इंटरनली कंपेयर होगा तो कंटेंट्स कभी डायरेक्टली आस्की वैल्यूज के फॉर्म में कंपेयर नहीं होते, इंटरनली कंपेरिजन किसके थ्रू होता है, बाई यूजिंग और बाई कॉलिंग हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड और बेस्ड ऑन इक्वल्स एंड हैश कोड। मीन्स इस केस में आप फेच क्या करना चाहते हो, वैल्यू ऑफ की यूजर नेम और यूएन, क्लियर। वैसे यूजर नेम का आप वैल्यू फेच करना चाहते हो तो आपको फिजिकली ऐसा लग रहा है कि यूजर नेम डायरेक्टली इस वैल्यू से मैप होगा, लेकिन रियल में पर्टिकुलर कंपेरिजन किसके बेसिस पर होगा, बेस्ड ऑन हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड। मीन्स रियल केस में जावा के अंदर बात करें तो इक्वल्स और हैश कोड मेथड को इंट्रोड्यूस करने का मेन पर्पज क्या है, जस्ट विद रिस्पेक्ट टू कलेक्शन फ्रेमवर्क एपीआई, इन दोनों मेथड को इंटरनली यूज कौन करता है, कलेक्शन फ्रेमवर्क एपीआई विद रिस्पेक्ट टू की कंपेरिजन और सम ऑब्जेक्ट कंपेरिजन। मीन्स कलेक्शन फ्रेमवर्क में जब भी टू ऑब्जेक्ट्स कंपेयर होते हैं तो कंपेरिजन किसके बेस पर होता है, बेस्ड ऑन हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड। तो फाइनली इस केस में आप स्टोर मीन्स एज ए की स्टोर क्या करना चाहते हो, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग क्लास, तो इसका मतलब कंपेरिजन भी किसके रिस्पेक्ट में कराना चाहते हैं, स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में। तो स्ट्रिंग मीन्स रियल में ये मेथड हैश कोड और इक्वल्स मेथड रिक्वायर्ड किस क्लास में, स्ट्रिंग क्लास के अंदर, स्ट्रिंग बफर के अंदर, स्ट्रिंग क्लास के अंदर, क्योंकि स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर आप कभी भी कलेक्शन में आप यूज ही नहीं कर रहे हैं, की कभी भी स्टोर ही नहीं करा रहे, जब स्टोर नहीं करा रहे तो आपको कभी भी इस केस में इक्वल से हैश कोड मेथड की रिक्वायरमेंट है क्या, नेवर। देयरफोर दीज क्लासेस आर नॉट ओवरराइडिंग इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड।